अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए या नेक्स्ट गिफ्ट आइडिया के लिए फ्रेंड्स, ये हमने OHP शीट को लिया है और यह मैंने एक डोर ड्रॉ किया है। इस डोर को हम OHP शीट के सेंटर में रख के OHP शीट का थोड़ा सा नीचे का हिस्सा छोड़ के, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, नीचे का हिस्सा छोड़ के हम इसके इस तरह से मार्क कर, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा डोर का मार्क निकल गया है। अब इस डोर की हमें कटिंग निकाल लेनी है। OHP शीट को यहाँ सेंटर से हमें कट कर लेना है। कट करने के लिए फ्रेंड्स हमें OHP शीट को हल्के से इस तरीके से होल्ड कर लेंगे। मैंने कट लगा लिया है। इस तरह से हमने ये डोर का शेप निकाल लिया। डोर का शेप निकालने के बाद फ्रेंड्स हमने ग्लिटर शीट पे इसका इस तरह से डोर का बॉर्डर निकाल के रखा था, जिसे हम ग्लू गन की हेल्प से इसमें इस तरह से चिपका देंगे। ये डोर का बॉर्डर चिपकाने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से दो हमने ये विंडोज़ भी निकाल के रखी थी, तो ये दो विंडोज़ भी हम इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से OHP शीट में चिपका लेंगे। इस तरह से दरवाजे और खिड़की का शेप लगाने के बाद हम चाहे तो दरवाजे को थोड़ा सा डेकोर कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे, मैंने ये मोती के कनेक्टिंग मोती लिए हैं, तो ये इस तरह से इस तरह से कनेक्टिंग मोती की हेल्प से हम दरवाजे को डेकोर कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमने मोती का काम कर लिया है, इसमें मोती से डेकोर कर लिया है। हमने इसमें थोड़ा फेविकोल से डेकोर किया है फ्रेंड्स, क्योंकि कनेक्टिंग मोती कई बार जो है वो फोम शीट से निकल जाते हैं, तो इसे प्रॉपर फिक्स देने के लिए हमने इसमें फेविकोल अप्लाई किया है। अब इसे थोड़ी देर हम सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के लिए रखने के बाद फ्रेंड्स हमने ये एक पुट्ठे पे सर्किल लिया है और उसके ही साइज़ का हमने फोम शीट कर कट कर लिया है, तो ये सर्किल के ऊपर हम फोम शीट को ग्लू गन की हेल्प से अप्लाई कर देंगे।
तरह से हमने इसमें ग्लिटर शीट को प्रॉपरली लगा लिया है। इसके साइड को कवर करने के लिए हम ग्लिटर शीट की पतली सी पट्टी निकालेंगे फ्रेंड्स और इसे कवर कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इसके साइड पोर्शन को कवर कर दें। ये देखिए इस तरह से हमने सर्किल को चारों तरफ तीनों तरफ से हमने इसे कवर कर लिया। आप चाहें तो नीचे में भी कलरफुल पेपर की कटिंग करके इसे भी कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बेस रेडी हो गया है। अब हमें एक सर्किल और निकालना है। ये हमें अप्रॉक्स इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। ये अप्रॉक्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इस सर्किल पर हम इस तरह से एक कट लगा देंगे। इस तरह से ये हमने इस पर कट लगा लिया और कट लगाने के बाद इसे हम हल्का सा फोल्ड कर देंगे एक इस तरह से फोल्ड करके हम इसे टेप की हेल्प से फिक्स कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमने इसे फिक्स कर दिया है। आप थोड़ा सा ग्लू भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से ग्लू की हेल्प से ये हमारा प्रॉपर शेप रेडी हो गया है। अब इसके लिए हमें इसी कलर की ग्लिटर शीट के हमने ये छोटे छोटे सर्किल काट के रखे हैं। सर्किल के लिए मैं बता दूँ आपको फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने ये ग्लिटर शीट ली है और आप किसी भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं। किसी भी बॉटल का ढक्कन लेके आप इसे मार्क कर सकते हैं। ये मैंने वाइट कलर की पेंट की बॉटल है, इसका ढक्कन लिया है। इस तरह से इस तरह इसका ढक्कन लेके हम इसे मार्क कर देंगे। मार्क फ्रेंड्स हम विद पिक की हेल्प से करेंगे। इस तरह से फॉर्म शीट पे हमने एक सर्किल ड्रॉ किया है और हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से हमें इक्वल साइज के फ्रेंड्स अप्रॉक्स हमने 20 सर्किल कट करके रखे। ये मैंने 20 सर्किल्स इसमें निकाल के रखे हैं। अब इन सर्किल्स को फ्रेंड्स हमें पेस्ट करना है इसमें। ये हमने जो शेप बनाया था इसमें हमें इन सर्किल्स को एक एक करके इस तरह से पेस्ट करना है ग्लू की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं।
तरह से ग्लू की हेल्प से एक के ऊपर कवर करते हुए तरह से हमें इस चारों तरफ इसके सर्कल पेस्ट करना है। ये एक लेयर फिक्स होने के बाद हमें इसमें फिर से सेकेंड लेयर अप्लाई करनी है, थोड़ा सा ऊपर ग्लू लगाते हुए इस तरह से हम सेकेंड लेयर भी अप्लाई करें। इस तरह से फ्रेंड्स हमने अप्रॉक्स कवर कर लिया है। अब टॉप के सर्किल को कवर कर टॉप को कवर करने के लिए हम इस सर्किल पर हल्का सा कट करेंगे और इसे हम इस तरह से ग्लू की हेल्प से चिपका के इसे इस तरह से हमें फिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने ये फिक्स कर दिया, तो ये हमारे हट का डिज़ाइन सा आ गया है। अब हमारा मोती का वर्क अप्रॉक्स सूख चुका है, तो हम वापस आते हैं। ये हमने जो वेज पी शीट पे जो मोती का वर्क किया था इसे हम लेकर इस तरह से जॉइंट करते हैं। टेप की हेल्प से इसे हमें इस तरह से फिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये देखिए हमने इसे पीछे से पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद ये हमने एक ग्लिटर शीट की पट्टी निकाली है। इस ग्लिटर शीट की पट्टी को हम इस तरह से नीचे की तरफ हम इसे जॉइंट कर देंगे गूगल की हेल्प से। ये हम इस तरह से इसे जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से इसे फिक्स करने के बाद हमने ये जो सर्किल निकाला था इस पर हम इस तरह से इसे फिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये अभी से बड़ा ही खूबसूरत लगने लगा है। हम इसे इसके सर्किल में इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये प्रॉपरली फिक्स हो गया है। अब हमने जो ये हटकर शेप दिया था उसे हम इस तरह से इसके ऊपर फिक्स कर देंगे, तो ये हमारा पूरा एक होम का शेप आ रहा है। तो ये हटकर भी शेप जो दिया था उसे हम ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा बड़ा ही खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स रेडी हो गया है। अब हम इसमें हमारे गिफ्ट आइटम को सेट करेंगे। अब इसमें गिफ्ट सेट करने के लिए फ्रेंड्स ये हम चॉकलेट्स लेंगे, इसे हम स्टिक में फिक्स कर देंगे और स्टिक में फिक्स करने के बाद हम टेप की हेल्प से अंदर चॉकलेट
तरह से फ्रेंड्स, अब हमने ये एक सिंगल बार फिक्स करने के बाद ये प्यारा सा छोटा सा टेडी है जिसे हम इस तरह से इसमें सेट कर लें, इस तरह से। ये बड़ा ही क्यूट सा टेडी हमारे होम में आ गया है। और ये क्यूट सा टेडी आने के बाद ये छोटा सा हार्ट शेप का पिलो हम इसके सामने इस तरह से रख दें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत गिफ्ट आइटम लगने लग गया है ये। इसे थोड़ा सा और डेकोर करने के लिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास बहुत ही प्यारा सा वाइट कलर का रोज़ है, क्योंकि रेड तो पूरा वैसे भी हमारा गिफ्ट है, रेड है, तो इसमें हमने एक कलर और वाइट लिया है, तो इस तरह से वाइट रोज़ को हम ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे चिपका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा वैलेंटाइन गिफ्ट रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्रिएशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।